आगे बढ़ेंगे पौड़ी में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मिलकर प्रदर्शन किया है और इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, किसान बल और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर प्रीतम सिंह के साथ मिलकर जमकर बरसे और सड़कों पर रोक टोक निकाला। लेकिन हैरत की बात की रही है कि कोरोना गाइडलाइन का ख्याल कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कई कांग्रेसियों को बिल्कुल नहीं याद रहा। प्रीतम सिंह ने कहा कि किसानों का ऋण माफ करने का दावा करने वाली सरकार किसानों के लिए ऐसा बिल लाई है जिससे किसान त्रस्त हैं। वहाँ बेरोजगारी प्रदेश में चरम पर है, राज्य आर्थिक संकट से जूझ रही है और उन्होंने कहा कि जनता ने जिन उम्मीदों से सरकार के चुनाव का वे दावे आज के हवा आए हैं। प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि 2022 में कांग्रेस करीब 54 सीट अपनी झोली में लाएगी और वर्तमान सरकार के हवा हवाई दावों को पूर्ण करेगी। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है, कई मुद्दों को लेकर घेरा है। सड़कों पर उतरी कांग्रेस जिसने रोड शो निकाला है, जैसे कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी 2022 में और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो हवाई वादे बीजेपी की तरफ से किए गए उसको हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा बिल लेकर आई है जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। भगवान सिंह हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ। भगवान सिंह अपनी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर जबरदस्त हल्ला बोलती हुई कांग्रेस नजर आई है और इसके साथ ही तमाम मांगे उन्होंने भी रखी है यहाँ पर सरकार के समक्ष। क्या कुछ जानकारी भगवान सिंह आप सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क